बाड़मेर जिला रसद विभाग की टीम ने अवैध रूप से एक गैराज में चल रही अवैध गैस रिफिलिंग की गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। जिला रसद विभाग की टीम ने मौके से गैस सिलेंडर और रिफिलिंग में उपयोग ली जाने वाली मोटर को भी जब्त करने में सफलता हासिल की है। जिला रसद विभाग की टीम की ओर से पिछले करीब 2 माह से अभियान चलाकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत बाड़मेर और बालोतरा जिले में 200 गैस सिलेंडर बरामद करने में सफलता हासिल की है। जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत जिले भर में अलग अलग कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस दौरान आज शिकायत मिली थी कि शहर के इंडस्ट्रीज एरिया के गैरेज में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही है। सूचना पर टीम ने दबिश देकर वहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने मौके से एक गैस सिलेंडर और मोटर को भी जब्त किया है। अभी दीपावली के अवसर पर जो है सरकार द्वारा जो कंज्यूमर केयर एक अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें पैकेज कमोडिटी के आइटम है उनकी गैस की दुकानों पर कर रहे हैं और बाड़मेर शहर के अंदर अभी कुछ दिन पहले कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करके लगभग 37,000 रुपये का जुर्माना वसूल है। आज अवैध रिफिलिंग गैस रिफिलिंग की शिकायत मिली थी विको इंडस्ट्रीज एरिया में, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ ठीक करने गैराज है उसके अंदर हमने कुछ जाँच की कार्रवाई करी। उसमें अवैध रूप से गाड़ियों में गैस भरने का जो मशीन है वो वहाँ पे मिली हमें, वहाँ पर गैस सिलेंडर मिला, उसको हमने मौके पर जब्त किया। पिछले एक महीने में लगभग हमने पूरे जिले में घरेलू गैस के दुर्घटनाओं के संबंध में कार्रवाई की है और लगभग 100 से अधिक गैस सिलेंडर बाड़मेर जिले में और 100 से अधिक गैस सिलेंडर बालोतरा जिले में जब्त किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पिछले 1.5 माह में कार्रवाई करते हुए 100 गैस सिलेंडर बाड़मेर जिले में और 100 सिलेंडर बालोतरा जिले में बरामद किए गए हैं। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।